नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं मनी नाइन का खास बुलेटिन मनी टाइम। मोबाइल पेमेंट कंपनी पेटीएम के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिनटेक कंपनी पेटीएम पर चीन की कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने का आरोप है। इसके चलते आरबीआई ने 11 मार्च को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी। आरबीआई ने अपनी सालाना जांच में पाया कि कंपनी के सर्वर चीन में स्थित कुछ ऐसी फर्मों के साथ डेटा शेयर कर रहे थे जिनकी इनडायरेक्ट रूप से पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ हिस्सेदारी है। आरबीआई के इस कदम के बाद सोमवार को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में 13% तक की गिरावट आई। बीएसई पर कंपनी का शेयर 12.84% लुढ़ककर ₹675.35 पर बंद हुआ। ये लिस्टिंग के बाद का सबसे निचला स्तर है। एनएसई पर इसका शेयर 12.21% टूटकर ₹680.40 पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप भी 6430 करोड़ रुपए घटकर 43798 करोड़ रुपए रह गया। पुरानी कार अब आपकी जेब पर पड़ेगी भारी। 1 अप्रैल से दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में 15 साल और इससे पुराने वाहनों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क बढ़ने जा रहा है। 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए अब आपको ₹5,000 खर्च करने होंगे। अभी तक ऐसा करने का खर्च केवल ₹600 है। इसी प्रकार दो पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए अब आपको ₹1,000 का शुल्क देना होगा, जिसके लिए अभी ₹300 लगते हैं। इम्पोर्टेड कार के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस ₹15,000 से बढ़कर ₹40,000 हो जाएगी। इन शुल्कों में ये वृद्धि इसलिए की जा रही है ताकि लोग अपने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित हों। भारत में अभी 15 साल से ज़्यादा पुराने करीब 1 करोड़ वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। महंगाई नहीं छोड़ रही है पीछा। फरवरी में भी खुदरा महंगाई आरबीआई की ऊपरी सीमा से रही ऊंची। आरबीआई की ऊपरी सीमा को पार करने के बाद खुदरा महंगाई फरवरी महीने में भी निरंतर ऊंची बनी रही। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों की वजह से फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.07% दर्ज की गई। जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 6.01% थी। फरवरी में खाद्य महंगाई 5.85% रही, जो जनवरी में 5.43% थी। इसी दौरान थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI भी बढ़कर 13.11% पर आ गया। थोक महंगाई दर अप्रैल 2021 से लगातार 11वें महीने यानी 10% से ऊंची बनी हुई है। जनवरी में WPI 12.96% थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का यह कहना है कि फरवरी में मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रमुख वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, रसायनों, रासायनिक उत्पादों और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और गैर खाद्य वस्तुओं आदि की कीमतों में बढ़ोतरी होना है। मैगी और कॉफ़ी के दीवानों के लिए एक बुरी खबर है। चुकाने होंगे अब इसके लिए ज़्यादा दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने चाय, कॉफ़ी, मिल्क पाउडर और नूडल्स की कीमतें 14 मार्च से बढ़ा दी हैं। HUL ने ब्रू कॉफ़ी की कीमतें 3-7% तक बढ़ा दी हैं। ताजमहल चाय की कीमत 3.7% से लेकर 5.8% तक बढ़ा दी गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण कंपनी को बढ़ी कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। वहीं नेस्ले इंडिया ने मैगी की कीमतों में 9% से लेकर 16% तक की वृद्धि की है। नेस्ले इंडिया ने मिल्क और कॉफ़ी पाउडर की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अब 70 ग्राम मैगी के एक पैकेट के लिए ₹12 की जगह आपको ₹14 चुकाने होंगे। वहीं 140 ग्राम वाले मैगी मसाला नूडल्स की कीमत ₹3 यानी 12.5% बढ़ गई है। महंगाई वाली तमाम खबरों के बाद एक अच्छी खबर। बैंकों में होने वाले धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है। स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 5 सालों में बैंक फ्रॉड के मामलों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों के दौरान 648 करोड़ रुपए के मामले ही सामने आए हैं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बताया कि 2016-17 में 61,229 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए थे। 2020-21 में ऐसे मामले घटकर 11,583 करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 648 करोड़ रुपए के रह गए।
उन्होंने कहा कि व्यापक कदमों के साथ बेहतर पहचान और रिपोर्टिंग के परिणाम स्वरूप इस तरह की धोखाधड़ी में तेजी से गिरावट आई है और सरकार IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अगले महीने मंगा सकती है बोली। सरकार अगले महीने के अंत तक IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI मंगा सकती है। IDBI बैंक के विनिवेश योजना के तहत सरकार इसमें अपनी पूरी 45.48% हिस्सेदारी बेचेगी। विनिवेश के इस चरण में सरकार हिस्सेदारी के साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी बेच सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि IDBI बैंक के हिस्सेदारी की बिक्री पर काम चल रहा है और इसके अधिकांश पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक या मई में इस विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर से भारत का फरवरी में बढ़ गया है व्यापार घाटा। फरवरी महीने में भारत के वाणिज्यिक निर्यात और आयात के अंतर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी में व्यापार घाटा बढ़ने की मुख्य वजह रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच क्रूड और कमोडिटी की कीमतों में उछाल आना है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि फरवरी में भारत का 25% बढ़कर 34.57 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया जबकि आयात 36% बढ़कर 55.45 अरब डॉलर रहा। इससे व्यापार घाटा 20.88 अरब डॉलर रहा जो जनवरी में 17.42 अरब डॉलर के स्तर पर रहा था। इंजीनियरिंग पेट्रोलियम और रसायनों जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात फरवरी में बढ़ गया है। नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी है। बाजार में एक नई और सस्ती कार आई है। फ्रेंच कार कंपनी रेनॉल्ट ने सोमवार को अपने एंट्री लेवल मॉडल क्विड का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। इसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए से शुरू होती है। 0.8 लीटर और 1 लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन में मिलेगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को इसमें नए डुअल टोन फ्लेक्स व्हील्स के साथ नए कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे कई एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। क्विड 0.8 का माइलेज 22.25 किलोमीटर प्रति लीटर है। गोफर्स्ट ने शुरू की समर सीजन सेल, हवाई जहाज का टिकट सस्ता मिलेगा। घरेलू एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट ने अपने समर सीजन सेल की घोषणा की है। ग्राहक हॉलिडे पैकेज पर आकर्षक 20% डिस्काउंट के साथ सभी फ्लाइट में फ्री सीट सिलेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सिंगल PNR पर 4 लोगों के लिए टिकट बुक कराने वाले ग्राहक को 2500 रुपये का स्नैक हैम्पर फ्री में दिया जाएगा। 14 मार्च से 17 मार्च के बीच टिकट बुक कराने वाले ग्राहकों को ये ऑफर मिलेगा। इस दौरान बुक किए गए टिकटों पर 3 अप्रैल से 31 मई 2022 तक यात्रा की जा सकती है। चलिए अब नज़र डालते हैं स्टार्टअप हलचल पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है स्टार्टअप की दुनिया में। कॉमर्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन इंजन इंडिया जीनो ने सीड फंडिंग राउंड में $16 लाख जुटाए हैं। इस राउंड में क्यूर फूड्स फाउंडर अंकित नागोरी, मैमर्थ फाउंडर वरुण अलग, क्रेड के कुणाल शाह और मितेन संपत, हेथपिक फाउंडर आकृत वैश, लॉगिन एक्स्ट फाउंडर ध्रुवेल सांघवी और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एक फंड बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास में इस स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भागीदारी पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ट्रेडिशनल स्वीट्स और स्नैक्स के लिए यूनिक मार्केटप्लेस मिर्ची.com अपने विस्तार के लिए रणनीतिक निवेशकों से 50 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रही है। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में 2 करोड़ रुपए के निवेश से की गई थी। अभी मिर्ची.com के पास 800 बड़े, मध्यम और लघु विक्रेता हैं जो पोर्टल पर अपनी मिठाइयाँ, नमकीन, अचार, कुकीज़ और अन्य खाद्य पदार्थों को बेचते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन रेम्बो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड को IPO से पैसा जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। रेम्बो चिल्ड्रन अपने IPO में 280 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी। शेयर होल्डर्स 2.4 करोड़ इक्विटी शेयरों को ऑफर फॉर सेल के लिए पेश करेंगे।
सरकार LIC के IPO को मई के मध्य में लाने पर विचार कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि तब तक रूस के यूक्रेन पर हमले से बाजार में बने उतार चढ़ाव के हालात शांत हो जाएंगे। नियमों के तहत IPO के लिए LIC की पब्लिश्ड एम्बेडेड वैल्यू मई तक वैलिड रहेगी। इससे ज़्यादा देरी करने की स्थिति में LIC की एम्बेडेड वैल्यू को फिर से गणना करनी होगी। और चलते चलते देखिए अब हमारा ये एक खास इन्फोग्राफिक।